हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग हाउ आर यू आई होप यू आर डूइंग गुड एंड दिस वीडियो इज़ इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द फर्स्ट वीडियो दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू येस्टरडे, ओके इन दिस वीडियो वी वर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियन एंड इन दिस वीडियो ऑल्सो विल कंटिन्यू फर्दर ठीक है हम इस वीडियो में भी आगे के कॉन्टिनेंट्स को पढ़ेंगे द आज का हमारा पहला कॉन्टिनेंट है साउथ अमेरिका जो कि फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे वर्ल्ड का हमने कल पढ़ा था एशिया के बारे में अफ्रीका के बारे में और नॉर्थ अमेरिका के बारे में जो साउथ अमेरिका है वो फोर्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है पूरे विश्व का बोथ द अमेरिकाज आर जॉइंड बाय जॉइंड बाय इस्थमिस ऑफ पनामा नाउ क्वेश्चन अराइजेज व्हाट इज इस्स्थमिस इस्थमिस एक बहुत नैरो लैंड होता है नैरो पीस ऑफ लैंड जो दो जगहों को जोड़ता है और बेसिकली उसके साइड्स पर पानी होता है बट वट इज़ इस्थमस ऑफ पनामा इस्थमस ऑफ पनामा वो इस्थमस है जो नॉर्थ अमेरिका को और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है हमने बात करी थी इस्थमस क्या होता है इस्थमस मैंने बताया कि नैरो पीस ऑफ लैंड है अब इस्थमस ऑफ पनामा जो है वो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को आपस में जोड़ता है ठीक है यहाँ पर एक माउंटेन रेंज होती है जिसका नाम एंडिस है जो कि वेस्टर्न पार्ट में है साउथ अमेरिका के द फेमस अमेजन रेन फॉरेस्ट आर लोकेटेड हियर जो वर्ल्ड फेमस रेन फॉरेस्ट हैं अमेजोन के वो साउथ अमेरिका में है रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं दैट रिसीव अ हैवी अमाउंट ऑफ रेनफॉल जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल को रिसीव करते हैं दैट इज़ वाई दे डू हैव अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स एनिमल एंड बर्ड्स इसीलिए वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइड वेरायटी मिलती है प्लांट्स की एनिमल्स की और पक्षियों की ठीक है बात करते हैं एमेजोन रिवर की हमने कल नायल नदी के बारे में पढ़ा था नाइल रिवर के बारे में एमेज़ोन रिवर जो है वो सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर है जो कि साउथ अमेरिका में है ठीक है अमेजोन रिवर साउथ अमेरिका में है और वो सबसे ज्यादा सेकेंड नंबर पे रिवर है सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड जो फर्स्ट पढ़ी थी हमने वो नाइल थी एंड द सेकेंड वन इज अमेजॉन रिवर ओके बात करते हैं अब अंटार्क्टिका की तो अंटार्क्टिका इज द कोल्डेस्ट एंड द फिफ्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड द वाइट कॉन्टिनेंट एज इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय थिक कार्पेट ऑफ आइस एंड स्नो ड्यू टू इज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट इट इज़ द वर्ल्ड कोल्ड ओनली कॉन्टिनेंट विच हैज़ नो परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन ठीक है अंटार्क्टिका की अगर बात करें तो ये फिफ्थ नंबर का कॉन्टिनेंट है इसे वाइट कॉन्टिनेंट कहते हैं क्यों क्योंकि ये हमेशा एक मोटी परत से घिरा रहता है इसके ऊपर हमेशा एक मोटी परत बिछी रहती है जो कि किसकी होती है आइस की और स्नो की ठीक है ड्यू टू इज एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट यहाँ की इतनी ज़्यादा ठंड के क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर कोई भी परमानेंट ह्यूमन हैबिटेशन हैबिटेशन नहीं है ह्यूमन हैबिटेशन का मतलब होता है वहाँ पर कोई भी इंसान नहीं रह सकता परमानेंट ठीक है इस लेकिन यहाँ पर बहुत सारे जानवर रहते हैं जैसे कि बियर, पैंगविन एंड सील्स ओके अंटार्कटिका की अगर हम बात करें तो अंटार्कटिका एक कोल्ड डेजर्ट है हमने हमेशा हॉट डेजर्ट के बारे में बात करी है डेजर्ट हमेशा हॉट होते हैं लेकिन जो अंटार्कटिका है वो कोल्ड डेजर्ट है वर्ल्ड का यहाँ पर कुछ रिसर्च स्टेशन्स हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा चलाए जाते हैं और इसी तरीके से इंडिया के पास भी यहाँ पर तीन रिसर्च स्टेशन्स हैं जो कि है दक्षिण गंगोत्री मैत्री और भारती ठीक है बात करते हैं डेवलप्ड की तो डेवलप्ड क्या होता है हम किसी हमने डेवलप्ड कंट्री के बारे में पढ़ा था जो कि है यूएसए एंड कैनाडा अगर कोई कंट्री इकोनॉमिकली एंड सोशली एडवांस होगी इकोनॉमिक मीन्स इन टर्म्स ऑफ मनी एंड सोशली मीन इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी तो वो कंट्री हम डेवलप्ड कहेंगे मैंने आपको इस्थमस बताया था कि एक पीस होता है लैंड का नैरो बहुत होता है जो बहुत दो बड़े एरियाज़ को आपस में जोड़ता है और जिसके दोनों साइड्स पर पानी होता है रेन फॉरेस्ट भी मैंने आपको बताया था एक बहुत घना जंगल जो बहुत ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल को रिसीव करता है ओके बात करते हैं यूरोप की तो यूरोप जो है वो सिक्स्थ लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है इन टर्म्स ऑफ साइज हमने अभी जितने भी कॉन्टिनेंट्स पढ़े हैं वो सारे उनके साइज़ के टर्म्स में पढ़े हैं ओके सबसे बड़ा जिसका साइज था एशिया सबसे पहले नंबर पे सेकंड पे अफ्रीका तो यूरोप जो है वो सिक्स्थ नंबर पे आता है ठीक है यूरोप एंड एशिया आर टुगेदर कॉल्ड यूरेशिया एंड फॉम दें लॉन्गेस्ट स्ट्रेच ऑफ लैंड ऑन अर्थ जो यूरोप कॉन्टिनेंट है और एशिया कॉन्टिनेंट है इन दोनों को अगर हम मिलाते हैं उन उस टर्म को हम यूरेशिया कहते हैं और वो बहुत लंबा स्ट्रेच बनाता है अर्थ पे ओके यूरोप इज बॉर्डर्ड बाय द मेडिट्रेनियन सी इन द साउथ एशिया टू द ईस्ट एंड एटलांटिक द वेस्ट यूरोप के अगर हम सारी साइड्स पर देखें तो मेडिट्रेनियन सी उसके साउथ में पड़ता है एशिया जो है एशिया कॉन्टिनेंट है वो उसके ईस्ट में है और जो एटलांटिक ओशन है वो उसके वेस्ट में है ठीक है डेवलप्ड कंट्री सच एज़ यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस आर पार्ट्स ऑफ यूरोप अभी मैंने आपको बताया था डेवलप्ड कंट्रीज कौन सी होती है यहाँ की जो डेवलप्ड कंट्री है वो है यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस ठीक है यूरोप की जो माउंटेन रेंज है उनको हम एल्प्स कहते हैं यहाँ के जो दो मेन रिवर्स हैं उनका नाम है दोलगा और दानुबे समझ आ गया आपको आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करते हैं अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे ज्यादा छोटा कॉन्टिनेंट है हमारे सात कॉन्टिनेंट्स हैं सबसे बड़ा एशिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है एंड इट इज़ द ओनली कॉन्टिनेंट विच इज़ ऑल्सो अ कंट्री आपने देखा होगा कभी कभी ऑस्ट्रेलिया की जो टीम है वो क्रिकेट खेलने के लिए आती है तो वही एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है जैसे बेसिकली क्या होता है एक कॉन्टिनेंट पे बहुत सारी कंट्रीज होती हैं ठीक है लेकिन ये एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कंट्री भी है इट इज एन आइलैंड एंड इज सराउंडेड बाई वॉटर ऑन ऑल साइड्स ये एक आईलैंड है जो कि वॉटर मतलब जिसके चारों साइड पे वॉटर है ऑस्ट्रेलिया इज फेमस फॉर इट्स ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड द ग्रेट बैरियर रीफ ये अपने डेजर्ट के लिए फेमस है और बैरियर रीफ बैरियर रीफ क्या होते हैं रीफ क्या होते हैं पहले तो वो सुनो। छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं जो होते तो जिंदा हैं लेकिन वो कॉलोनी में रहने की वजह से एक के ऊपर एक इकट्ठे होकर के बहुत बड़ा ढेर बना देते हैं उसको हम रीफ कहते हैं ठीक है तो वो जो रीफ है ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया की वो सबसे ज़्यादा फेमस है सो ऑस्ट्रेलिया इज़ फेमस फॉर इट्स ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट एंड ग्रेट बैरियर रीफ ओके अगर हम बात करते हैं ओशंस की तो ओशियन हमारे कितने हैं पाँच हैं पैसिफिक ओशियन अटलांटिक ओशियन इंडियन ओशियन साउदर्न ओशियन एंड आर्कटिक ओशियन अब इन ओशियन के अंदर जितनी भी लाइफ है या जितनी भी सी एनिमल्स हैं उन सबको मिला कर के मेराइन लाइफ कहते हैं ठीक है जैसे आपको पानी में कौन कौन से जीव मिल जाएंगे आपको मिल जाएंगे फिश uh, मिल जाएंगी शार्क मिल जाएंगी डॉल्फिन मिल जाएंगी वेल्स मिल जाएंगी तो ये जितनी भी चीज़ें हैं इन सबको मिला कर के यहाँ की मैरीन लाइफ बनती है वट इज़ कोरल रीफ मैंने आपको बताया था रीफ क्या होता है तो अ हार्ड नेचुरल स्ट्रक्चर अंडर द सी दैट इज़ फोर्म फ्रॉम कोरल रीफ मैंने आपको बताया था कि बहुत छोटे छोटे जान एनिमल्स होते हैं जो ढेर बना देते हैं और उस ढेर ढेर देव इतना बड़ा हो जाता है कि उसे रीफ कहते हैं और जो रीफ कोरल से बनती है वो कोरल रीफ कहलाती है ठीक है बात करते हैं पैसिफिक ओशन की तो पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट और सबसे ज्यादा डीपेस्ट ओशन है पूरे विश्व में लार्जेस्ट मतलब बड़ा और डीपेस्ट मतलब सबसे ज्यादा गहरा ये पूरे अर्थ सरफेस का थर्टी परसेंट कवर करता है इट सेपरेट द टू अमेरिका फ्रॉम एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया जो दो अमेरिका हैं दैट इज़ नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका और एशिया ऑस्ट्रेलिया ये इन चारों को डिफ मतलब सेपरेट करता है दो अमेरिकाज़ को एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को ठीक है मरियाना ट्रांच जो है ये पैसिफिक ओशन का सबसे डीपेस्ट ट्रेंच है वर्ल्ड में जो कि पैसिफिक ओशन में है ये पैसिफिक ओशन का एक पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा गहरा है पूरे विश्व में इससे गहरी कोई जगह नहीं है ओके सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट एक्टिव एंड डोरमेंट वोलकैनोज आर फाउंड इन द बेसिन ऑफ द पैसिफिक ओशन एक्टिव वोल्केनो एंड डोरमेंट वोल्केनो एक्टिव वोल्केनो वो होते हैं जिनके अंदर से मैग्मा और लावा बाहर आता रहता है और डोरमेंट वोल्केनो वो वोल्केनो होते हैं जो एग्जिस्ट तो करते हैं लेकिन उनके अंदर से मैग्मा और लावा बाहर नहीं आता वो वोल्केनो तो हैं पर उनके अंदर से लावा या मैग्मा बाहर नहीं आता तो एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो जो हैं, वो बेसिन में मिलते हैं पैसिफिक ओशन के ठीक है बात करते हैं अटलांटिक ओशन की तो अटलांटिक ओशन जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट ओशन है पूरे वर्ल्ड का जो कि यूरोप और अफ्रीका को नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से अलग करता है इट सेपरेट यूरोप एंड अफ्रीका फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका देयर इज एन अंडर वाटर माउंटेन रेंज ऑन इट्स ओशियन फ्लोर नोन एज द मिड अटलांटिक रिज मिड अटलांटिक अटलांटिक ओशियन है इसीलिए अटलांटिक मिड बीच में यहाँ पर अंडर वाटर माउंटेन है पर्वत है जो कि मिड एटलांटिक रिज के नाम से जाना जाता है ओके okay? लेकिन यहाँ पे द दिस रिज इज मोस्टली अंडर वाटर बेशक ये पानी के अंदर है और पोर्शन ऑफ इट इज़ एलिवेटेड इनफ टू एक्सटेंड अबव सी लेवल लेकिन इसका जो पार्ट है ये है तो एकदम अंदर पानी के बेड ओशन के बेड पे लेकिन इसका जो एलिवेटेड पार्ट है ऊपर उठा हुआ पार्ट है, वो समुद्र के सतह से बहुत ज्यादा ऊंचा है ओके? एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द मिड अटलांटिक रिज पासिस पिंग वेलियर नेशनल पार्क आइसलैंड विच इज अ पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे ये कितना ऊंचा उठा हुआ है और ये एक बहुत फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है आइसलैंड में ठीक है बात करते हैं इंडियन ओशन की तो इंडियन ओशन जो है वो थर्ड लार्जेस्ट ओशन है और इट लाइज इन टू द साउथ ऑफ़ एशिया एंड इज़ नेम्ड आफ्टर इंडिया विच लाइज एट इट्स हेड ये एशिया के साउथ में एग्जिस्ट करता है और इसका यही एक ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पर पड़ा है इंडिया दैट इज़ वाई इट इज कॉल्ड इंडियन ओशन ओके इट्स सेपरेट ईस्ट अफ्रीका फ्राम ऑस्ट्रेलिया ये ईस्ट अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है इट इज़ वार्मर देन पैसिफिक एटलांटिक एंड आर्कटिक ओशन अगर हम बात करते हैं पैसिफिक एटलांटिक और आर्कटिक की तो इंडियन ओशन इन तीनों ओशन से थोड़ा गर्म है ओके मैंने आपको बताया था डोरमेंट क्या होता है डोरमेंट नॉट एक्टिव और ग्रोइंग बट एबल टू बिकम एक्टिव और ग्रो इन द फ्यूचर अभी उसमें से कोई एक्शन नहीं शो हो रहा लेकिन फ्यूचर में जाकर के क्या पता हो जाए ट्रेंच लोंग डीप एंड नैरो होल्स इन द ओशन फ्लोर बहुत बड़े बड़े होल्स ओशन के फ्लोर पर जो ओशन होता है उसका जो एकदम सरफेस है सरफेस पे बहुत गहरे होल्स की बात हो रही रिज अ माउंटेन रेंज अंडर निथ द ओशियन मैंने आपको बताया था वो माउंटेन रेंज जो ओशन के एकदम सरफेस पर हो पानी के एकदम अंदर ठीक है बात करते हैं साउदर्न ओशन की तो साउदर्न ओशन जो है वो फोर्थ लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का ये साउथ पोल के पास है जो कि अंटार्कटिका के पास है द साउदर्न पोर्शन ऑफ द पैसिफिक ओशन द अटलांटिक ओशन एंड द इंडियन ओशन कंबाइन टू फॉर्म द साउदर्न ओशन अब ये पैसिफिक ओशन है ये अटलांटिक और ये इंडियन ओशन इन सब का जो साउदर्न पार्ट है ना इसको मिला करके एक ओशन बना है जिसको हम साउदर्न ओशन कहते हैं बात करते हैं आर्कटिक ओशन की तो आर्कटिक ओशन इज़ द स्मॉलेस्ट ओशन इन द वर्ल्ड ये सबसे छोटा ओशन है इट इज़ लोकेटेड अराउंड द आर्कटिक सर्कल ये आर्कटिक सर्कल के पास लोकेटेड पाया जाता है इट इज़ फ्रोजन ड्यूरिंग विंटर सीजन अगर हम बात करें सर्दियों की तो सर्दी के टाइम में ये इसका जो पानी है वो जम जाता है ठीक है ड्यूरिंग समर द आइस मेल्ट टू फॉर्म लार्ज आइसबर्ग एंड फ्लोटिंग आइलैंड लेकिन जैसे ही गर्मी आती है सर्दी में तो पूरा पानी जम जाता है लेकिन जैसे ही गर्मी आती है तो जो बर्फ है वो पिघलने लगती है और पिघलने की वजह से वो बहुत बड़े बड़े चट्टाने बना देती है बर्फ की दैट इज नोन एज आइस बर्ग ओके सो दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड हेयर वन थिंग आइसबर्ग एंड एक्सट्रीमली लार्ज मास ऑफ आइस फ्लोटिंग इन द सी एज आई टोल्ड यू वट इज़ एन आइसबर्ग आइसबर्ग जो है वो बहुत बड़ा पहाड़ जैसे बहुत बड़ा आइस का टुकड़ा होता है दैट इज़ इक्वी वैलेंट मोर ऑफ माउंटेन वो बहुत बड़ा होता है जैसे आपने सुना होगा टाइटेनिक के बारे में टाइटेनिक एक जहाज़ थी जो ओशन में जा रही थी बट वो डूब गई थी और वाई, बिकॉज आइसबर्ग से वो टकरा गई थी आइसबर्ग जो है वो बहुत बड़े होते हैं ठीक है तो यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं ओके